के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के चेयरपर्सन पी चिदंबरम और मैं संयोजक हूं। हमारे अतिरिक्त समिति में 15 और सदस्य हैं। समिति के सदस्यों ने 2 राज्यों को चिन्हित किया। इन राज्यों में वो जाकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए समिति का निर्माण किया है। चिदंबरम सर उसके चेयरपर्सन है, मुझे संयोजक की जवाबदारी दी गई है। हम दोनों के अतिरिक्त 15 और सदस्य हैं इस समिति में। समिति के सदस्यों ने अपने विकल्प से कम 2 राज्यों को चिन्हांकित किया है। इन राज्यों में वो जाकर सघन विचारों का आदान प्रदान आमजनों से करेंगे, समूहों से करेंगे, संगठनों से करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे। अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में हुई रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी पर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पिछली कांग्रेस की सरकार की तैयारियों का नतीजा है जो इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। इस सरकार को उसका लाभ मिल रहा है। सरकार के समय की तैयारी थी, हम लोग सभी तैयारियां कर चुके थे, समीक्षा कर चुके थे। किसानों का पंजीयन, कितने धान खरीदी होंगे, क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगी, धान खरीदी केंद्र से लेकर के और उसके परिवहन और कस्टम मिलिंग तक की सब हम लोगों ने तैयारी कर दी थी। सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा और आज यह जान करके बहुत खुशी हुई कि हमारा जो रिकॉर्ड था उससे भी 108 लाख मीट्रिक टन का जो रिकॉर्ड था उसको क्रॉस हुए। अमरजीत भगत के धान खरीदी को लेकर किए दावे पर मंत्री लखनलाल दिबांगा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किस धान खरीदी का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है जिसे रमन सिंह की सरकार में शुरू किया गया था। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। हम एक एक किसान का धान खरीदेंगे। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हम कर रहे हैं। 900 रुपए की अंतरराशि एक मुश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। धान खरीदी का एक्चुअली मामला माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार हम बोए थे बोल रहे हैं। क्या बोए थे? कांग्रेस सरकार ने क्या किया है 5 साल में? भ्रष्टाचार तो किया है। और अभी हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। तो स्वाभाविक है, किसानों का ज़्यादा उत्पादन होता है और किसान पूरे धान को अपने बेच रहे हैं, तो उसमें अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से भी पार हो रहा है। अभी 15 दिन खरीदी का समय और बाकी है और जितने किसान के पास धान है वो सारी धान खरीदी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर किसी किसान समय पर धान नहीं बेच पाएंगे और बाकी रह जाएंगे तो समय को भी हम बढ़ा देंगे। नक्सल मोर्चे पर